आई वुड यूज द बुक और उस बुक को ही लेके बेसिकली मैं डीमॉडुलेशन डिटेक्शन का पूरी सिचुएशन लेके चलूंगा. सो लेट्स से अगर आपके पास बेस बैंड में आपने पल्सेस ट्रांसमिट करनी है, तो बेसिकली आपके पास दो तरह की पल्स वेव फॉर्म होंगी, एक वन के लिए और एक जीरो के लिए. तो लेट्स से जी वन ऑफ टी आप वन के लिए यूज़ कर रहे हैं और जी टू ऑफ टी आप जीरो के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास दो बेसिकली वेव फॉर्म होंगी. डेफिनेटली जब आप इसको बैंड पास सिस्टम में लेके जाएंगे, तो आप इसको जी वन और जी टू को बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने के लिए एस वन और एस टू कह देते हो. जी वन जी टू जो है वो बेसिकली बेस बैंड सिग्नल है, और जब हम उनको मॉड्यूलेट कर देंगे तो एस वन और एस टू जो है वो बेसिकली पास बैंड सिस्टम बन जाएंगे. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लेरिफाई कर दूँ, चाहे हम जी वन ऑफ टी और जी टू ऑफ टी लेके पूरी की पूरी डेरिवेशन करें, या एस वन ऑफ टी प्लस एस टू ऑफ टी लेके पूरी डेरिवेशन यूज़ करें, कॉन्सेप्ट दोनों की दोनों सेम रहेंगे. इट्स का सिर्फ फ़र्क ये है कि हम ये सारी प्रोसेसिंग बेस बैंड में कर रहे हैं या पास बैंड में कर रहे हैं. तो एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वेदर वी डू दिस प्रोसेसिंग इन बेस बैंड और वी डू दिस प्रोसेसिंग इन पास बैंड, द बेसिक्स रिमेन्स द सेम. तो इसलिए हम करेंगे ये कि एस वन ऑफ टी और एस टू ऑफ टी को ले के बेसिकली पूरी की पूरी डेरिवेशन करेंगे, और ये डेरिवेशन अगर आप बेस बैंड में करना चाहते हो तो बेस बैंड में भी इक्वली एप्लीकेबल है. सिर्फ फ़र्क ये होगा कि आप एस वन ऑफ टी और एस टू ऑफ टी की अगर जी वन ऑफ टी और जी टू ऑफ टी यूज़ कर लेंगे तो ओवरऑल सिचुएशन ये है. क्योंकि इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखो सिंस द जनरल ट्रीटमेंट ऑफ डी मॉडुलेशन डिटेक्शन आर एसेंशियली द सेम फॉर बेस बैंड एंड बैंड पास सिस्टम, वी यूज एस आई ऑफ टी हेयर एज अ जेनरिक डेजिग्नेशन ऑफ फॉर द ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म. तो इसका पर्सपेक्टिव ये है, अगर हम यहाँ पे देख लें, तो लेट से मैंने कोई भी बाइनरी डेटा ट्रांसमिट किया, तो ओरिजिनली मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या मैं बिट जीरो ट्रांसमिट कर रहा हूँ या मैं बिट वन ट्रांसमिट कर रहा हूँ. तो अज्यूम मैं ये करता हूँ कि जब भी मैं बिट वन ट्रांसमिट करूँगा तो मैं एस वन ऑफ टी ट्रांसमिट कर रहा हूँ, और जब भी मैं एस टू ऑफ टी यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब आई एम ट्रांसमिटिंग अ बाइनरी जीरो. क्योंकि बेसिक आइडिया इज दैट इन एनी काइंड ऑफ डिजिटल सिस्टम आई विल हैव टू ट्रांसमिट ईदर द बाइनरी वन और द बाइनरी जीरो. अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक बाइनरी सिस्टम की. डेफिनेटली अगर आप सिंबल कर रहे हैं तो सिंबल्स पे भी सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, बट अभी लेट्स कीप थिंग्स सिंपल और हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर मैं बाइनरी ट्रांसमिशन कर रहा हूँ तो इट मींस कि मुझे वन के लिए एक वेव फॉर्म चाहिए होगी, जीरो के लिए दूसरी वेव फॉर्म चाहिए होगी. तो इट जस्ट लाइक कि मैं एक स्क्वायर पल्स यूज़ कर रहा हूँ वन के लिए और नेगेटिव स्क्वायर पल्स यूज़ कर रहा हूँ जीरो के लिए, या एक पॉजिटिव रेस कोसाइन पल्स यूज़ कर रहा हूँ वन के लिए और नेगेटिव रेस कोसाइन पल्स एम्पलीट्यूड के साथ यूज़ कर रहा हूँ जीरो के लिए. सो इट मींस यहाँ पे एस वन ऑफ टी इज़ बेसिकली द ट्रांसमिटेड सिग्नल. तो ये ट्रांसमिटर जो चीज़ ट्रांसमिट करेगा दैट वुड बी एस आई ऑफ टी. अब एस आई ऑफ टी कैन हैव टू पॉसिबिलिटीज, दैट इज एस वन ऑफ टी एंड एस टू ऑफ टी. इफ इट इज एस वन ऑफ टी इट मीन्स द ट्रांसमिटेड डेटा इज बेसिकली अ बाइनरी जीरो, एंड इफ इट इज एस टू ऑफ टी इट इज बेसिकली अ बाइनरी जीरो. सॉरी, एस वन ऑफ टी इज फॉर वन एंड एस टू ऑफ टी इज फॉर जीरो. सो इट मीन्स एस वन और एस टू ऑफ टी बेसिकली दो डिफरेंट बिट्स से कॉरस्पॉन्ड करेंगे. तो इट मीन्स कि ट्रांसमिटर जब भी ट्रांसमिट करेगा या एस वन ऑफ टी ट्रांसमिट करेगा या एस टू ऑफ टी ट्रांसमिट करेगा. सो अगर मेरा बाइनरी डेटा वन है तो एस वन ऑफ टी, और अगर बाइनरी डेटा जीरो है तो एस टू ऑफ टी. तो ये तो वो सिग्नल है दैट वी हैव टू ट्रांसमिट, जो ट्रांसमिटर बेसिकली ट्रांसमिट कर रहा है. ओके, वंस यू हैव ट्रांसमिटेड दिस सिग्नल ऑन टू द चैनल, इस सिग्नल के अंदर डेफिनेटली प्रॉब्लम आएंगे, जो चैनल के अंदर फिजिकल प्रोसेसेस और जो सारी डिटेल हम देख चुके हैं पहले वो सारी के सारी होंगी. सो इन प्रैक्टिकल सिस्टम बहुत सारे मसले मसाइल इस ट्रांसमिटेड सिस्टम के साथ होंगे. फेज भी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट भी आएगा, एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, फेडिंग भी होगी, नॉइज भी आएगा, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस भी होगा, शायद और डिफरेंट तरह के नॉइज और इंटरफेरेंसेस भी हैं. बट टू कीप थिंग्स सिंपलर, हम यहाँ पे सिर्फ दो डिस्टर्बेंस को एज्यूम करेंगे जो हमने पढ़ी हैं. एक डिस्टर्बेंस है एडिटिव वॉइड गॉशियन नॉइज, और दूसरी डिस्टर्बेंस है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस. सो लेट्स से कि आई हैव द रिसीव सिग्नल आर ऑफ टी. सो R of T is basically not ideal situation में अगर मैं देखूँ तो R of T and S of T should be exactly same. लेकिन practical system में कभी भी ऐसा नहीं होगा, R of T will always be different from S of T. उसकी वजह यह है कि उसमें noise भी आ रहा है, उसमें inter-symbol interference भी आ रहा है. मैं सिंपलेस्ट केस कंसिडर करूँ,
रियलिटी में इससे ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे ही इसको लेके आगे चलूँ तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे देखनी है, मेरे पास आर ऑफ टी इज़ बेसिकली एस आई ऑफ टी जो कि मैंने ट्रांसमिट किया था कन्वॉल्व विद एच सी ऑफ टी। एच सी ऑफ टी बेसिकली मेरे पास चैनल का इम्पल्स रिस्पॉन्स है। तो चैनल का इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर एच सी ऑफ टी है और इन जो बेसिकली ट्रांसमिटेड सिग्नल है एस आई ऑफ टी है, तो मैं आउटपुट बेसिकली जो इफेक्ट करेगा एच सी ऑफ टी का इफेक्ट एस आई ऑफ टी पे देखने के लिए मुझे इन दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको रिमाइंडर दूँ, एक दफ़ा शायद पहले भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि हम जब भी चैनल को मॉडल करते हैं वी मॉडल द चैनल एज अ फिल्टर। सो कंसिडर दिस थिंग, योर चैनल इज़ अ फिल्टर, एस आई ऑफ टी इज योर इनपुट एंड यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द आउटपुट एट द फिल्टर। तो अगर आप फिल्टर की आउटपुट कैलकुलेट करना चाहते हैं एंड यू नो द इनपुट दैट इज एस आई ऑफ टी एंड यू नो द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर इट इज एच सी ऑफ टी, सो ऑल यू नीड टू डू इज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द आउटपुट एस आई ऑफ टी शुड बी कन्वॉल्व विद एच सी ऑफ टी। तो किसी फिल्टर की आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए इनपुट और फिल्टर के इम्पल्स रिस्पॉन्स को कन्वॉल्व किया जाता है। सो ये जो एस आई ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच सी ऑफ टी है, इट इज़ बेसिकली द इनपुट सिग्नल। चैनल अगर आप कंसिडर करें कि एक फिल्टर है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एच सी ऑफ टी है और उसको इनपुट एस आई ऑफ टी मिल रही है, तो एस आई ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच सी ऑफ टी। मैं यहाँ एस वन या एस टू इसलिए नहीं लिख रहा, आई लिख रहा हूँ क्योंकि इट कुड बी जीरो, इट कुड बी वन, ये कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स कीप अ जर्नल डेरिवेशन हम लेके चलते हैं और बाकी सारी चीज़ को हम आगे चल के देख लेंगे। सो इसका मतलब है कि एच सी ऑफ टी बेसिकली फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अब अगर मैं यहाँ पर डिटेल थोड़ी सी रोक के आपको फिल्टर के इम्पल्स रिस्पॉन्स की बताऊँ, फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स बेसिकली वो प्रोसेस हैं जो फिल्टर के अंदर हो रहे होंगे। तो अगर मेरा मैं चैनल को एज अ फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है चैनल के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सब को बेसिकली मैं इधर लेके आऊँगा। लेकिन चूंकि हमने बहुत डिटेल में और चीज़ें नहीं पढ़ी, हम अभी सिर्फ दो चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं, एक इंटर सिंबल इंटरफेरेंस और एक नॉइस को। तो फॉर द टाइमिंग अगर मैं नॉइस को थोड़ा साइड पर कर दूँ तो एच सी ऑफ टी इज बेसिकली including the effect of inter-symbol interference into this thing. So HC of T के अंदर basically मेरा inter-symbol interference का effect है कि अगर मेरा signal SI of T channel के through pass करता है तो उसमें inter-symbol interference आएगी और वो inter-symbol interference basically incorporate होगी as HC of T, क्योंकि HC of T में basically मेरे पास inter-symbol interference का सारा effect होगा। So SI of T convolved with HC of T will give me द इफेक्ट ऑफ इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। दूसरी चीज़ जो हमने कंसिडर करनी थी चैनल में, डैट वॉज द नॉइज। और हम ये पहले बात कर चुके हैं, वी ऑलवेज मॉडल द नॉइज, जो थर्मल नॉइज है उस थर्मल नॉइज को हम हमेशा करते हैं मॉडल एज एडिटिव वाइट गॉजियन नॉइज। सो अगर मैं एडिटिव वाइट गॉजियन नॉइज के परस्पेक्टिव देखूँ तो मैंने नॉइज की जो टर्म है एन ऑफ टी उसको मैंने ऐड करना है क्योंकि नॉइज इज एडिटिव इन नेचर। सो इट मींस एडिटिव वाइट गॉजियन नॉइज। एंड वन मोर थिंग दैट यू शुड ऑलवेज कंसिडर कि हम जब भी नॉइज को मॉडल करते हैं एज एन एडिटिव वाइट गॉजियन नॉइज, हम हमेशा उसका मीन ज़ीरो रखते हैं, विच मींस कि नॉइज की जितनी पॉजिटिव वैल्यूज पॉसिबल हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल हैं। सो इफ आई हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज बराबर हैं, तो मैं उन सब वैल्यूज़ की अगर एवरेज निकालूंगा तो डैट एवरेज विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि जब मैं एडिटिव वाइट गॉजियन नॉइज प्रोसेस की बात करूंगा या उस नॉइज की बात करूंगा, आई विल ऑलवेज मॉडल इट एज जीरो मीन। ये जर्नली हम करते हैं कम्युनिकेशन में और ये रियलिटी के सबसे ज़्यादा करीब है कि आप जब भी एडिटिव वाइट गॉजियन नॉइज को मॉडल करोगे, जो इन प्रैक्टिस भी होता है, प्रैक्टिकली भी एडिटिव वाइट गॉजियन नॉइज जो है वो nearly zero mean होता है। तो that is why n of t here is nothing but zero mean additive white Gaussian noise process. So if I stop here and look at whatever we have studied so far is कि मैं transmitter से एक signal transmit कर रहा हूँ si of t and this si of t can have any value among 1 and 0. अगर s1 of t है तो मैंने 1 transmit किया, s2 of t है तो मैंने 0 transmit किया। जब ये सिग्नल चैनल पे जाएगा तो इसके साथ बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। चैनल के अंदर डिफरेंट फिजिकल और स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वो इस सिग्नल को चेंज करेंगे,
in terms of many parameters, but to keep things simpler, we are only considering two processes. One is intersymbol interference and the other one is additive white Gaussian noise. So if I want to write the signal that I am receiving at the receiver as R of t, then R of t would be equal to Si of t convolved with Hc of t, where Hc of t is the impulse response of the channel that incorporates the effect of intersymbol interference, plus N of t, this is basically the effect of additive white Gaussian noise. तो हम ये कर रहे हैं कि simultaneously noise भी है हमारे पास intersymbol interference भी है, तो ये पूरी की पूरी equation बनेगी जिसमें से सब्सक्रिप्ट आई की वैल्यू 1 से लेके एम तक हो सकती है. सो यहाँ तक तो सिचुएशन क्लियर होगी, लेकिन अगर आप पूरा टॉपिक देखें तो ये टॉपिक का जो हेडिंग है दैट इज़ बेसिकली सिग्नल्स एंड नॉइज. तो अभी के लिए चूँकि स्कोप ऑफ सब्जेक्ट भी थोड़ा लिमिटेड है और थोड़ी सी डिटेल हमने इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस की ऑलरेडी देख चुके हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग फॉर दिस स्पेसिफिक लेक्चर में जो हम व्हाट वी आर गोइंग टू अज्यूम इज कि हम इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस के इफेक्ट को फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे. टेक्निकली हम कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम में इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस नहीं हो रही, आइडियल सिचुएशन है और हमारे पास कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई भी इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस नहीं है, सिर्फ एक मसला आ रहा है वो है नॉइज. सो इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में से मैंने एच सी ऑफ टी का इफेक्ट आइडियल रखना है, तो मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो है कि मैं एच सी ऑफ टी को डिफाइन कर दूँ एज एन इम्पल्स फंक्शन. सो If you remember from signal system, अगर आप किसी भी सिग्नल को इम्पल्स फंक्शन के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट वुड बी द सेम सिग्नल शिफ्टेड एट द लोकेशन ऑफ इम्पल्स. तो अगर मैं ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स को एज एन इम्पल्स फंक्शन ले लूँ तो एस आई ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच सी ऑफ टी और उसमें डिले ज़ीरो हो तो रिजल्टेंट वुड बी एस आई ऑफ टी. तो अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूँ एंड इसमें से रिमूव करता हूँ इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस का इफेक्ट, तो आई कैन अज्यूम कि एच सी ऑफ टी एक इम्पल्स फंक्शन है और रिजल्टेंट वुड बी दिस इक्वेशन डैट इज 3.2 दैट रिसीव सिग्नल इज इक्वल टू एस आई ऑफ टी प्लस एन ऑफ टी. तो अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे एच सी ऑफ टी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी एच सी ऑफ टी को एज एन इम्पल्स फंक्शन ले ली, जो कि बेसिकली आपको ये लेवरेज दे रहा है कि आप आइडियल कंडीशन को एज्यूम कर रहे हैं. एक चीज और जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप देखें ब्रैकेट में आर्गुमेंट तो ये स्मॉल टी है, तो बेसिकली आपका जो रिसीव सिग्नल है वो बेसिकली टाइम का फंक्शन है. इसी तरह एस आई भी जो है वो टाइम का फंक्शन है और एन भी जो है वो टाइम का फंक्शन है, और ये टाइम का फंक्शन इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टाइम, बट इट इज़ द बेसिकली सीरीज ऑफ टाइम वैल्यूज. ठीक है जी, अब आ जाएं थोड़ी सी डिटेल की तरफ. अब एक्चुअली हम उस ब्लॉक की तरफ जाने लगे, उस ब्लॉक डायग्राम की तरफ जाने जिसमें हमने डिटेल ये सारी चीज़ें देखनी हैं, बट बिफोर दैट हम डिफाइन कर देते हैं डीमोडुलेशन और डिटेक्शन. क्योंकि हम दो अलग ब्लॉक्स के तौर पे यहाँ पे ट्रीट करें तो लेट्स डिफाइन बोथ ऑफ दीज ब्लॉक्स. तो डीमोडुलेशन को जो हम डिफाइन करेंगे, वी विल डिफाइन द डीमोडुलेशन एज द रिकवरी ऑफ द वेव फॉर्म, कि हम जो वेव फॉर्म ओरिजिनली ट्रांसमिट की थी वो अगर चैनल में के थ्रू होके आई है तो उसके अंदर डिस्टॉर्शन और नॉइज होगा, तो वी आर गोइंग टू हैव डीमोडुलेशन ब्लॉक जिसका बेसिक पर्पज ये है कि वो रिसीव सिग्नल में से आपकी जो ओरिजिनल पल्स शेप थी उसको रिकवर करे इन द बेस्ट पॉसिबल वे विद मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइज रेशो. तो पहली चीज़ तो ये है कि जो डीमोडुलेशन का ब्लॉक है वो ये काम करेगा, और जो डिटेक्शन का ब्लॉक है वो डीमोडुलेशन के बाद आएगा. जो डीमोडुलेशन ब्लॉक की आउटपुट विल बी कनेक्टेड टू डिटेक्शन ब्लॉक, और डिटेक्शन ब्लॉक बेसिकली ये काम करेगा कि जो भी डीमोडुलेशन ब्लॉक ने वेव फॉर्म रिकवर की है उस वेव फॉर्म में से एक स्पेसिफिक सैंपल वैल्यू उठाएगा और उस वैल्यू की बेस पे डिटेक्ट करेगा कि ये 1 है या 0 है.
तो इस पर्सपेक्टिव से ओवरऑल सिचुएशन हमारे पास ये होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द फिगर, जो हमारे पास ओवरऑल फिगर है उससे बड़ा बेहतर समझ आ जाएगा। सो दिस इज़ द मेन फिगर, अगर आप देखें तो दिस इज़ बेसिकली डीमॉडुलेशन ब्लॉक एंड दिस इज़ बेसिकली डिटेक्शन ब्लॉक। इसको बेसिकली कहा गया है स्टेप नंबर वन, विच इज़ बेसिकली वे फॉर्म टू सैम्पल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड स्टेप नंबर टू इज़ बेसिकली डिसीजन मेकिंग, जो कि डिटेक्शन करेगा। सो अगर मैं ये जो अभी तक हमने जितनी डिटेल देखी है, वो सारी डिटेल को अगर मैं फिट इन करूँ ओवर दिस फिगर, सो बेसिकली दिस इज़ एस आई ऑफ टी द ट्रांसमिटेड वे फॉर्म, व्हेन इट इज पुट ऑन टू द चैनल इट इज़ बेसिकली एब्जॉर्बिंग एडिटिव वाइट गॉशियन नॉइज, प्लस इट इज़ हैविंग द इफेक्ट ऑफ इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। सो इफ आई लुक एट दिस पॉइंट आफ्टर दिस समर, आई हैव द रिसीव्ड वेव फॉर्म आर ऑफ टी दैट इज गिवन एज एस आई ऑफ टी कन्वॉल्व विद सी ऑफ टी प्लस एन ऑफ टी। अब डेफिनेटली इसमें से हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं दैट वी आर गोइंग टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इंटर सिंबल इंटरफेरेंस इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स सिंपलर। तो हम एच सी ऑफ टी को एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि बेसिकली है इम्पल्स फंक्शन, और जब भी मैं किसी इम्पल्स फंक्शन को किसी और सिग्नल के साथ कन्वॉल्व करूँगा तो रिजल्टेंट वुड बी द सेम सिग्नल शिफ्टेड एट द लोकेशन ऑफ द इम्पल्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एस आई ऑफ टी इंटू कन्वॉल्व विद एच सी ऑफ टी जो है वो बेसिकली बन जाएगा एस आई ऑफ टी, अगर मैं एच सी ऑफ टी को ले लूँगा एज एन इम्पल्स फंक्शन, प्लस उसके साथ एक नॉइज का फैक्टर भी ऐड होगा, दिस इज एडिटिव वाइट गॉशियन नॉइज विद जीरो मीन। सो आपके सामने ये जो ब्लॉक, जो डॉटेड बड़े ब्लॉक बने हुए हैं, ये बेसिकली ये डीमॉडुलेशन का ब्लॉक है एंड दिस इज डिटेक्शन ब्लॉक। तो अगर मैं डीमॉडुलेशन ब्लॉक के अंदर डिटेल की बात करूँ तो डीमॉडुलेशन ब्लॉक के अंदर आपके पास तीन कंपोनेंट्स हैं, और उन तीन कंपोनेंट में से दो कंपोनेंट ऑप्शनल हैं और एक कंपोनेंट जो है वो मैंडेटरी है, जो हम लाजमी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्जन। तो जब हम डीमॉडुलेट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, जब मैंने सिग्नल रिसीव किया आई हैव टू ऑप्शंस, और ये चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि जो सिग्नल मेरे पास आ रहा है ये बैंड पास सिग्नल है, ये बेस बैंड सिग्नल नहीं है, ये बैंड पास सिग्नल है। इसका मतलब है कि मॉडुलेटेड और एक हायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है जो कि बेसिकली मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। सो इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो रिसीविंग फील्ड, जैसे ही मैंने रिसीव किया आर ऑफ टी, तो मेरे पास बैंड पास सिग्नल के पर्सपेक्टिव से दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं सिग्नल को बैंड पास में ही रहने दूं, विच मींस कि मैं इसको डाउन कन्वर्ट ना करूं, जिस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल मुझे रिसीव हुआ है मैं उसी फ्रीक्वेंसी पे ये पूरे का पूरा प्रोसेसिंग जो आगे सबसीक्वेंट स्टेजेस उन सबको उसी फ्रीक्वेंसी पे लेके चलूं। जब मैं ऐसा रिसीवर यूज़ कर रहा हूं जो इनकमिंग सिग्नल को या रिसीव सिग्नल को डाउन कन्वर्ट नहीं करता, इट प्रोसेस द इनकमिंग सिग्नल एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज द सिग्नल इज रिसीव्ड, वी कॉल इट होमोडाइन रिसीवर। होमोडाइन रिसीवर इज द रिसीवर जो बेसिकली आपकी जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका सिग्नल रिसीव हुआ है उसी फ्रीक्वेंसी पे बेसिकली आपके सिग्नल को प्रोसेस करेगा। वी कॉल दिस काइंड ऑफ रिसीवर एज होमोडाइन रिसीवर। एंड इफ आई एम कन्वर्टिंग दिस रिसीव्ड पास बैंड सिग्नल इन टू अ बेस बैंड, then I need this block which is basically frequency down conversion block, and the receivers which convert the incoming signal from a higher frequency down to a frequency that lies in the baseband, we call those receiver as heterodyne receiver. So heterodyne receiver वो होते हैं जो receive signal को किसी भी किस्म की processing से पहले baseband में लेके आएंगे, और बाकी की processing जितनी होगी वो सारी की सारी baseband में होगी। तो इन जनरल दोनों के दोनों रिसीवर काम ठीक करते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है रिसीवर दैट इज़ हीटरोडाइन रिसीवर। उसकी बेसिक वजह यह है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को टैकल करना, उसको डिजिटली प्रोसेस करना, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क एज कम्पेयर टू कि मेरे पास कोई बेस बैंड सिग्नल और उसको मैं डिजिटल प्रोसेसिंग करूँ। तो इसलिए जनरली दो टाइप के जो रिसीवर है हमारे पास, होमोडाइन रिसीवर और हीटरोडाइन रिसीवर, ज़्यादातर हीटरोडाइन रिसीवर यूज़ होता है। एंड हीटरोडाइन रिसीवर इज़ बेसिकली द टाइप ऑफ रिसीवर विच डाउन कन्वर्ट्स अ बेस बैंड पास बैंड सिग्नल इनटू अ बेस बैंड सिग्नल बिफोर
कैरिंग आउट एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग ऑन इट. तो अगर मेरे पास डी मॉडुलेटर में मुझे हीटरोडाइन रिसीवर में यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्जन का ब्लॉक चाहिए होगा, और अगर मैं होमोडाइन रिसीवर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे डाउन कन्वर्जन का ब्लॉक नहीं चाहिए होगा. और यहाँ पे मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूँ कि चाहे मैं फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्जन करूँ या ना करूँ, जो चीज़ हम आज पढ़ने जा रहे हैं, सारी चीज़ जो पढ़ रही है, एक इक्वली एप्लीकेबल है बेस बैंड पे भी और पास बैंड पे भी. उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, दैट इज़ द रिसीविंग फिल्टर. रिसीविंग फिल्टर बेसिकली ये करता है कि जो भी आपके पास सिग्नल फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्जन के बाद इसको मिलेगा, उस सिग्नल की बेसिकली वेव फॉर्म रिकवरी करेगा इस तरीके से कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशो मैक्सिमम हो. ये रिसीविंग फिल्टर क्या है और किस तरह से डिज़ाइन किया था, बड़ी ये अच्छी खासी डिटेल्ड डेरिवेशन है, और ये आने वाले लेक्चर में हम रिसीविंग फ़िल्टर को बड़ी डिटेल में देखेंगे, ये रिसीविंग फ़िल्टर किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है. और एक चीज़ और मैं आपको बता दूंगी, ये जो अभी लेक्चर हम पढ़ रहे हैं और ये जो रिसीविंग फ़िल्टर वाला लेक्चर है, ये दो बड़े क्रूशल लेक्चर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से भी और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी. तो आपको ये सारी की सारी चीज़ जो आज हम पढ़ रहे हैं और जो रिसीविंग फ़िल्टर की दफ़ा हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तीसरी चीज़ अगर आप देखें तो इक्वलाइजिंग फ़िल्टर है. तो इक्वलाइजिंग फ़िल्टर बेसिकली ये करता है कि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का इफ़ेक्ट अगर हमने ख़त्म करना है तो हमें इक्वलाइजिंग फ़िल्टर चाहिए होगा. तो अगर आप इसके नीचे देखें तो कंपनसेशन फॉर चैनल इंड्यूस्ड इंटर सिंबल इंटरफेरेंस है कि अगर मुझे चैनल में जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस है उसको ख़त्म करना है, मतलब चैनल में तो ख़त्म नहीं हो सकती, इनफैक्ट जो रिसीव सिग्नल मेरा है उसके अंदर इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का इफेक्ट है, अगर मुझे उसको रिमूव करना है तो आई वुड यूज़ अ फिल्टर दैट इज़ नोन एज इक्वलाइजिंग फ़िल्टर. अब ये इक्वलाइजिंग फ़िल्टर डिज़ाइन किस तरह किया था, इक्वलाइजेशन का पूरा एक टॉपिक है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तो इक्वलाइजेशन फ़िल्टर ये करता है कि चैनल सेंस करता है और ये चेक करता है कि जो चैनल के अंदर उसका रिस्पांस है वो किस तरह का है, और वो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि चैनल में कितनी इंटर सिंबल इंटरफेरेंस है, और जब सिग्नल उसको रिसीव होगा तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट ऑलरेडी हैज़ वो उस इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है. और डेफिनेटली आइडियल सिचुएशन नहीं है हमारे पास, जितना मर्जी अच्छा आप इक्वलाइजेशन फ़िल्टर बना लें, you definitely will get a certain amount of intersymbol interference. So, अब इस पॉइंट पे आकर मुझे ए आई ऑफ टी प्लस एन नॉट ऑफ टी मिल गया मुझे, और जब मैं इस डी मॉडुलेटर की आउटपुट पे देखूंगा तो मुझे जेड ऑफ कैपिटल टी मिलेगा. एक चीज़ ये देखिएगा, यहाँ पे जो सैम्पल सर्किट लगा हुआ है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. अप टिल दिस इक्वलाइजेशन फ़िल्टर मुझे जो भी सिग्नल मिलेगा दैट सिग्नल वुड बी अ वेव फॉर्म, ये पूरी की पूरी एक बेसमेंट पल्स होगी. अगर आप यहाँ देखें, अगर आप इस पूरी फिगर को देखें, ये बड़ी अच्छी फिगर इस हिसाब से बनी है कि हर स्टेप पे आपको ये बताएगा कि आपके पास ओरिजिनल सिग्नल अभी किस फॉर्म में है. तो व्हेन आई विल सी एट दिस पॉइंट, जहाँ पर मैं सैम्पल करने लगूँ, उससे पहले जो सिग्नल है जेड ऑफ स्मॉल टी, ये बेसिकली एक बेसबैंड पल्स है, और इस बेसबैंड पल्स के अंदर जो मेरे पास डाटा है दैट इज ए आई ऑफ टी प्लस एन नॉट ऑफ टी. तो अगर आप यहाँ पे देखें, ए आई ऑफ टी बेसिकली वो पल्स है जो कि बेसिकली रिसीविंग फ़िल्टर ने रिकवर करके मुझे दी है. तो ओरिजिनली हमने एस आई ऑफ टी ट्रांसमिट की थी, डेफिनेटली उसके इंटर सिंबल इंटरफेरेंस और ये सब चीज़ें थी, तो मुझे जो आउटपुट ऑफ इक्वलाइजेशन फ़िल्टर में मिल रही है वो ए आई ऑफ टी मिल रही है. ये एस आई ऑफ टी 100% नहीं है, बट इट विल बी ए क्लोज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ए आई ऑफ टी आफ्टर गोइंग थ्रू द रिसीविंग फ़िल्टर जो कि उसकी सिग्नल टू नॉइज़ रेशो मैक्सिमाइज करेगा, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू इक्वलाइजेशन फ़िल्टर जो कि उसमें से इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का इफेक्ट निकाल देगा. तो ऑल आई एम गोइंग टू हैव हेयर इज जेड ऑफ स्मॉल टी. जेड ऑफ स्मॉल टी उसने जेड वैसे यूज़ कर लिया है, इसके पीछे कोई एज सच वजह नहीं है. तो जेड ऑफ टी इज़ बेसिकली ए आई ऑफ टी प्लस एन नॉट ऑफ टी, इसका मतलब है ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है, ये मेरी ओरिजिनल पल्स है, और ये उसके साथ नॉइज़ का इफेक्ट है जो कि उसमें ऐड हुआ हुआ है. सो मैंने आपको पहले भी ये बताया था इन द लास्ट लेक्चर दैट एट द रिसीवर वी आर नॉट कंसर्न विद द शेप ऑफ दिस बेस बैंड पल्स. आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड के पूरी की पूरी पल्स शेप क्या है. मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि इस पूरी पल्स में से कोई एक ऐसा पॉइंट लूँ जिस पॉइंट
पे वैल्यू मैं उठाऊं और कह दूं कि ये मेरे पास वन है या जीरो है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं वो काम कर रहा हूँ कि इस पूरी वेव फॉर्म में से कोई एक वैल्यू उठाऊंगा, और वो वैल्यू किस टाइम पे होगी, डैट विल बी व्हेन स्मॉल टी विल बी इक्वल टू कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज बेसिकली सैम्पलिंग टाइम। ये वो वाला सैम्पलिंग टाइम नहीं है जो हमने उसमें देखा था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में, यहाँ सैम्पलिंग का मतलब है कि वो कौन सी वैल्यू आप उठा रहे हैं। तो बेसिकली कैपिटल टी इज द टाइम, जिस टाइम इंटरवल हर कैपिटल टी इंटरवल के बाद आप बेसिकली एक एक वैल्यू उठा रहे होंगे, हर मतलब पल्स अगर आप सेट करेंगे तो पल्स में से कैपिटल टी एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप उसे एक पल्स की, उस पूरी पल्स में लेट सपोज काउंटलेस वैल्यूज होंगे, उन काउंटलेस वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आपने उठानी है, और उस वैल्यू की बेस पे डिटेक्शन सर्किट ये डिसाइड करेगा कि आपने जीरो ट्रांसमिट किया था या वन किया था। तो ये चीज़ बड़ी क्रूशल है कि मैं किस टाइम पे ये सैंपल उठाऊंगा, क्योंकि मेरा चांसेस ऑफ करेक्ट डिसीजन डिपेंड करता है कि ये वैल्यू कितनी एक्यूरेट मुझे मिली है, कितनी अच्छी मिली है। तो रिसीविंग फिल्टर ये करेगा सिग्नल टू नॉइज रेशियो मैक्सिमाइज करेगा, और सैंपलर ये करेगा कि वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेगा, अगर मैं पूरी की पूरी पल्स में सिग्नल टू नॉइज रेशियो इंक्रीज इन्हांस कर दूंगा, अगर उसका इंप्रूव कर दूंगा सिग्नल टू नॉइज रेशियो, तो डेफिनेटली सैंपलर भी कोई जो भी वैल्यू उठाएगा वो भी सिग्नल टू नॉइज रेशियो वहाँ पे उम्मीद है कि वहाँ पे मैक्सिमाइज हुई भी होगी। सो इनफैक्ट यहाँ पे ये कैपिटल टी जो सेट किया था, ये बड़ी कैलकुलेशन के बाद और बड़ी तमीज़ तरीके से एक प्रॉपर एल्गो को, एक प्रॉपर मैथमेटिकल डेरिवेशन और सिस्टम पैरामीटर को देख के डिसाइड किया था कि हमने किस टाइम पे ये वैल्यू उठानी है। तो जिस टाइम पे आप ये वैल्यू उठाएंगे, तो अब एज्यूम ये करें इस पूरी पल्स में से कोई एक वैल्यू आपने उठा ली, और उस कोई एक वैल्यू में की बेस पे वो वैल्यू आपने पास कर दी, और आपने उसको कहा जेड ऑफ कैपिटल टी। तो सैंपल इज बेसिकली जेड ऑफ कैपिटल टी, के पूरी वेव फॉर्म में से आपने एक वैल्यू उठा ली जेड ऑफ कैपिटल टी, दैट इज ए आई ऑफ। तो अब मैंने चूँकि कैपिटल टी एक स्पेसिफिक वैल्यू उठा ली, तो अब मैं इसको स्मॉल टी नहीं लिखूंगा, स्मॉल टी का मतलब है इट कुड हैव एनी वैल्यू ऑफ टी, मतलब बहुत से पॉसिबल वैल्यूज हैं, लेकिन जब मैं कैपिटल टी लिखूंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टाइम। तो आई एम बेसिकली जेड ऑफ कैपिटल टी का मतलब है मैं एक स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट पे जेड की वैल्यू का जेड की वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ। तो जेड ऑफ कैपिटल टी वुड बी इक्वल टू ए आई ऑफ कैपिटल टी प्लस एन नॉट ऑफ कैपिटल टी। अब एन नॉट ऑफ कैपिटल टी को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, तो आपके पास इस पूरी की पूरी पल्स में जब टाइम चल रहा है तो आपके साथ साथ नॉइज़ की वैल्यू भी चेंज होती है। लेट्स से टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट पे नॉइज़ की वैल्यू कुछ और होगी, टी वन पे नॉइज़ की वैल्यू कुछ और होगी, टी थ्री पे कुछ और होगी, तो डेफिनेटली कैपिटल टी पे भी यहाँ पे नॉइज़ की एक वैल्यू होगी। जिस तरह यहाँ पे पूरी पल्स के अंदर काउंटलेस वैल्यूज ऑफ सिग्नल हो सकते हैं, उसी तरह नॉइज़ में भी काउंटलेस वैल्यूज ऑफ नॉइज़ वैल्यूज, बेसिकली इस सिग्नल में नॉइज़ वैल्यूज भी काउंटलेस हो सकती हैं, तो बेसिकली जो करस्पॉन्ड करेंगे इस पे। तो होगा ये कि जिस टाइम पे मैं सैंपल करूँगा उस टाइम पे मुझे सिग्नल की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ साथ नॉइज़ की एक ही स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी। तो दैट इज़ वाई कि मैं जेड ऑफ़ कैपिटल टी जब लिख रहा हूँ तो ए आई ऑफ कैपिटल टी के साथ साथ एन नॉट ऑफ कैपिटल टी भी लिख रहा हूँ, कि नॉइज़ की बहुत सी वैल्यूज में से मैं सिर्फ वो वैल्यू उठा रहा हूँ जो उस टाइम पे प्रेजेंट है, जिस टाइम पे मैंने अपने सिग्नल को सैंपल किया। तो जब मेरे पास जेड ऑफ़ कैपिटल टी आ गया, तो जेड ऑफ़ कैपिटल टी को बेसिकली जब मैं लूँगा, तो अब इस जेड ऑफ़ कैपिटल टी की बेस पे मैं डिसाइड करूँगा कि मैंने वन ट्रांसमिट किया था या ज़ीरो ट्रांसमिट किया था। तो इस पर्सपेक्टिव से ओवरऑल सिचुएशन मेरे पास ये बन जाएगी। सो आ जाते हैं यहाँ पे, ये वो चीज़ है जेड ऑफ़ कैपिटल टी इज इक्वल टू ए आई ऑफ कैपिटल टी प्लस एन नॉट ऑफ कैपिटल टी। और ओरिजिनली हमने कहा था कि एस आई की वैल्यू दो हो सकती हैं, तो आई की वैल्यू वन या टू है, तो एस आई की वैल्यू अगर वन है तो उसका मतलब है वन ट्रांसमिट किया था, और अगर एस आई की वैल्यू टू है तो मैंने ज़ीरो ट्रांसमिट किया था। सो यहाँ तक तो आपके पास ये चीज़ पूरी की पूरी आ गई है, बट इससे आगे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अब क्योंकि मेरे पास नॉइज़ की वैल्यू भी है, तो अब मुझे करना ये है कि मुझे ये डिसाइड करना है जेड ऑफ़ कैपिटल टी की बेस पे कि मेरे पास फाइनल आउटपुट वैल्यू क्या आएगी। सो बिफोर दैट इस फाइनल वैल्यू पे डिटेक्शन ब्लॉक के डिटेल में हम जाएं, यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम नॉइज़ का इफ़ेक्ट इस पूरे जेड ऑफ़ कैपिटल टी में नॉइज़ की क्या सिचुएशन बन रही है, ये हम पूरी की पूरी चीज़ अभी देखेंगे। सो
मैंने जब आपको अभी एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जबकि एक्स एक रैंडम वेरिएबल था। तो पीडीएफ ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, अगर मैं एक्स रखूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल 1/σ नॉट अंडर रूट 2π एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट होल स्केयर था, अगर आप ओरिजिनली देखें तो। अगर एक्स इज़ द रैंडम वेरिएबल, एक्स इज़ अ गॉसियन रैंडम नॉइज़ एन नॉट, तो मैं अगर एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ की जो मैंने, या गॉसियन रैंडम वेरिएबल की जो इक्वेशन पीडीएफ के लिए लिखवाई थी, अगर मैं उसमें वैल्यू एन नॉट पुट कर दूं, वेयर एन नॉट इज़ द रैंडम वेरिएबल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे नॉइज़ सिग्नल को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट विल बी इक्वल टू 1/σ नॉट अंडर रूट 2π एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 इंटू एन नॉट माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा नॉट। अगर आप यहाँ पे देखें तो एन नॉट माइनस म्यू नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, जबकि हमने जो पीडीएफ की इक्वेशन ओरिजिनल देखी थी वहाँ पे, यहाँ पे एक्स माइनस म्यू भी था, तो एक्स माइनस म्यू की जगह यहाँ पे एन नॉट माइनस म्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे म्यू नहीं है आपका। उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जब भी हम एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ को मॉडल करते हैं, वी मॉडल इट एज अ ज़ीरो मीन नॉइज़। तो जब हम म्यू की वैल्यू या एम की वैल्यू लिखते हैं, तो चूंकि मैं इसको ज़ीरो मीन कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मीन इज़ ज़ीरो, तो एन नॉट माइनस म्यू या एन नॉट माइनस एम अगर मैं लिख भी देता तो उसका फ़ायदा इसलिए ना होता कि मेरे पास एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ जो है वो ज़ीरो मीन है। तो ये बेसिकली आपके पास जो पी ऑफ एन नॉट है, इट इज़ बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़, जो कि बेसिकली रैंडम नॉइज़ है और उस चैनल के अंदर मौजूद है। तो दिस इज़ बेसिकली द पीडीएफ जो कि आपके पास ओवरऑल मौजूद है आपके पूरे के पूरे चैनल के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद वापस जाते हैं एक मिनट के लिए, जेड ऑफ कैपिटल डी को दोबारा एनालाइज करें। मैंने आपको पिछले वीक के लेक्चर्स में एक चीज़ बताई थी कि जब हम सिग्नल को कैटेगराइज कर सकते हैं, तो एक पॉसिबल कैटेगरी है डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल वर्सेस रैंडम सिग्नल। तो अगर मैं जेड ऑफ टी को देखूं, अगर ओवरऑल, तो जेड ऑफ टी इज़ बेसिकली अ रैंडम सिग्नल। वो क्यों? अगर आप इसके दो कंपोनेंट, जेड ऑफ टी के बेसिकली दो कंपोनेंट है, एक है ए आई ऑफ टी और दूसरा है एन नॉट ऑफ टी। ए आई ऑफ टी जो है वो डिटर्मिनिस्टिक पार्ट है, क्योंकि क्यों डिटर्मिनिस्टिक पार्ट है, इसलिए डिटर्मिनिस्टिक पार्ट है कि ओरिजिनली जब हमने ट्रांसमिट किया था तो एस आई ऑफ टी बेसिकली ट्रांसमिट किया था, तो एस आई ऑफ टी हमने खुद डिज़ाइन किया था, या वो रेस को साइन पल्स होगी, रूट रेस को साइन पल्स होगी, कोई ना कोई पल्स शेप होगी जो प्रॉपरली मैथमेटिकली डिफाइन होगी। तो अगर आप इस जेड ऑफ टी को देखें तो इसके अंदर ये बेसिकली एक डिटर्मिनिस्टिक पार्ट है ए आई ऑफ टी, तो ये ओवरऑल ये वाला पोर्शन डिटर्मिनिस्टिक है। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखें एन नॉट ऑफ कैपिटल टी, तो ये बेसिकली रैंडम है, इसकी वैल्यू को आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि नॉइज़ को आप कभी भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि नॉइज़ की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो डैट इज़ वाई नॉइज़ इज़ ऑलवेज मॉडल्ड एज अ रैंडम सिग्नल। तो अगर मैं एक डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल में एक रैंडम सिग्नल को ऐड कर दूंगा, तो उसका रिजल्टेंट सिग्नल वुड बी ऑलवेज अ रैंडम सिग्नल। तो जेड ऑफ कैपिटल टी के अंदर अगर एन नॉट ऑफ टी का पोर्शन ना होता, तो आई वुड हैव कॉल्ड इट अ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, बट चूंकि मेरे पास एन नॉट ऑफ टी का पोर्शन भी है, सो ओवरऑल जेड ऑफ टी विल बी अ रैंडम सिग्नल। बट इन प्रिंसिपल अगर आप देखें तो इस इन दो कंपोनेंट में से एक डिटर्मिनिस्टिक और दूसरा रैंडम है, और इसी रैंडम सिग्नल की वजह से बेसिकली आपका ओवरऑल पूरा जेड ऑफ टी जो है वो रैंडम सिग्नल है। तो अगर मेरे पास नॉइज़ एन नॉट ऑफ टी का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है, और जेड ऑफ टी मेरे पास एक रैंडम वैल्यू है, तो अब मुझे इस रैंडम सिग्नल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है, ताकि उसकी बेस पे मैं डिसाइड कर सकूं कि मैं डिसीजन किस बेस पे लूँगा। तो अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट ये डिफाइंड है, और ये नॉइज़ बेसिकली एड अप होगा मेरे पास ओरिजिनल डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के अंदर और मुझे जी मिलेगा, तो अब मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होगी दैट आई हैव रिसीव्ड जेड, अगर मैं वापस जाऊँ
आई हैव रिसीव जेड। अब इस जेड के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं ए आई ऑफ टी की बेसिस पे। अगर आई की वैल्यू वन है तो मैंने वन ट्रांसमिट किया था, अगर आई की वैल्यू टू है तो मैंने टू ट्रांसमिट किया था। इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड गिवन दैट आई हैव ट्रांसमिटेड एस वन, और एस वन बेसिकली वन के लिए किया था। सो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी डेट आई एम गोइंग टू रिसीव जेड गिवन कि मैंने ओरिजिनली जब ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया था तो मैंने एस वन ट्रांसमिट किया था। सो होगा ये कि ये बेसिकली आप इस इक्वेजन को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो इस इक्वेजन के परस्पेक्टिव से अब आप क्या करेंगे कि आप वन ओवर सिग्मा नॉट अंडर रूट टू पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वन बाई टू जी माइनस ए वन डिवाइड बाई सिग्मा नॉट होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जर्नल इक्वेजन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एन नॉट रैंडम वेरिएबल था, यहाँ पे भी एन नॉट था। और अगर मैं इक्वेजन पे दोबारा वापस जाऊँ तो मैंने ये कहा है कि जेड ऑफ टी एक रैंडम वेरिएबल है। सो अगर मैं जेड ऑफ टी को रैंडम वेरिएबल कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं जेड को यहाँ रैंडम वेरिएबल ले रहा हूँ और उस पर कंडीशन लगा रहा हूँ कि मैंने एस वन ट्रांसमिट किया था। सो इफ आई एम हैविंग दिस वैल्यू सो आई कैन राइट दिस इज बेसिकली एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वन बाई टू एक्स माइनस एम डिवाइड बाई सिग्मा नॉट होल स्केयर। बेसिकली अगर उस पैटर्न पे आप देखें तो जेड मेरा रैंडम वेरिएबल है तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड गिवन एस वन इज इक्वल टू वन ओवर सिग्मा नॉट अंडर रूट टू पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वन बाई टू जेड इज द रैंडम वेरिएबल ए वन इज द मीन एंड सिग्मा नॉट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड गिवन एस टू लिखूंगा दैट वुड बी वन ओवर सिग्मा नॉट इंटू अंडर रूट टू पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वन बाई टू इंटू जेड माइनस ए टू ओवर सिग्मा नॉट होल स्क्वायर। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप इस इक्वेजन को इन दो इक्वेजन से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपके पास सिग्नल की मीन वैल्यू जीरो थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास सिग्नल की मीन वैल्यू ए वन है और यहाँ पे सिग्नल की मीन वैल्यू ए टू है। तो ये ए वन और ए टू कैसे आए यहाँ पे? सो एज्यूम ये करें कि आपके पास नॉइज़ ज़ीरो मीन था। सो अगर मेरे पास कोई भी एक सिग्नल ज़ीरो मीन है, इसमें मैं अगर चला जाऊँ फिगर में तो ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ पे आ जाएं। सो एज्यूम ये करें अभी यहाँ पे इसको अभी सिर्फ ये जो आपके पास राइट साइड वाला कर्व है ना गॉसियन का, इसको कंसिडर करें। अभी ए वन को साइड पे कर दें, एज्यूम ये करें कि आपके पास ये गॉसियन कर्व है और ये ज़ीरो मीन है। इसका मतलब है इसका मीन जो है वो सेंटर्ड अराउंड ज़ीरो है। सो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी भूले हुए होंगे, तो लेकिन आप इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा, आप किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि ज़ीरो मीन हो अगर कोई डिटर्मिनिस्टिक पार्ट ऐड करते हैं तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन वैल्यू है वो ज़ीरो से शिफ्ट हो के वो वैल्यू बन जाते जो वैल्यू आपने उसमें ऐड किया। तो टेक्निकली ए वन आपने जब ऐड की तो आपने पूरी की पूरी इस डिस्ट्रीब्यूशन को शिफ्ट कर दिया, विच मीन कि आपने हर वैल्यू को बेसिकली ए वन में ऐड कर दिया या हर वैल्यू में ए वन को ऐड कर दिया। तो दैट इज़ वाई कि ओरिजिनली जब हमने कहा था कि हमारे पास एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ का ज़ीरो मीन होता है तो यहाँ पे हमने मीन ज़ीरो लिखा था, लेकिन जब हम इसको यूज़ करेंगे इस सिचुएशन में और जब आपने एस वन ट्रांसमिट किया था तो तब आपको रिसीव बेसिकली ए वन होगा फिल्टर के आउटपुट पे, तो ए वन जब एड अप होगा बेसिकली आपके इस रैंडम नॉइज वैल्यू में तो आपका जो नॉइज पहले ज़ीरो मीन था अब वो ज़ीरो मीन नहीं रहेगा बल्कि उसका मीन शिफ्ट होकर ए वन पर आ जाएगा। और जब आपने ज़ीरो ट्रांसमिट किया होगा तो आपके रिसीव सिग्नल का मीन जो है वो बेसिकली ए टू पर आ जाएगा। तो इसका यह मतलब है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड गिवन एस वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड गिवन एस टू दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं। उन दो चीज़ों की वो दो कंडीशनल पीडीएफ हैं जो बेसिकली आपके पास जेड के लिए बनी हुई हैं। और जेड बेसिकली क्या है, जेड इज़ बेसिकली नाउ अ रैंडम सिग्नल क्योंकि उसके अंदर आपने एक रैंडम नॉइज़ का एलिमेंट ऐड किया है जिसकी वजह से उसका डिटर्मिनिस्टिक पार्ट में जब रैंडम नंबर ऐड हुआ है तो आपके पास बेसिकली एक रैंडम सिग्नल ही आउटपुट पे आएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आप अगर इन प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड गिवन एस वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड गिवन एस टू को ड्रॉ करेंगे तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस जो आपके सामने बना हुआ है। और अगर आप देखें तो इसको हम कहते हैं लाइकलीहुड ऑफ एस वन। लाइकलीहुड ऑफ एस वन का मतलब है कि
कितनी प्रोबेबिलिटी है या क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास S1 ही मुझे मिलेगा, और इसी तरह लाइकलीहुड ऑफ S2 का मतलब है कि इस चीज़ की क्या पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि मुझे S2 मिलेगा। तो ओवरऑल ये इस तरह की कोई चीज़ हमें मिलेगी नॉइज़ के पर्सपेक्टिव से, एडिटिव वाइट गॉशियन नॉइज़ में, जब हम इस सारी चीज़ को लेके चलेंगे।